नमस्कार, मैं हूं आनंद प्रकाश सहारनपुर से। हम आज आपको अमर उजाला के अनूठे अभियान हिंदी हैं हम के तहत सहारनपुर की उस महान शख्सियत के परिवार से मिलाएंगे। जी जी, उनका लेखन जो है बहुत आरंभ से चलता रहा जी, और उन्होंने सच्चाई ये है कि पुस्तक को पुस्तक मान करके नहीं लिखा, लेख इतने लिखते चले गए कि उनसे उसके अनुसार जो है पुस्तकों की रचना होती चली गई जी। सबसे पहली पुस्तक उन्होंने जो उनकी जो प्रकाशित हुई वो लघु कथाओं का संग्रह था, आकाश की तरह धरती के फूल। हाँ। तो भारतीय ज्ञानपीठ जो देश का प्रसिद्ध प्रकाशन संस्थान है, उन्होंने उनसे दूसरी किताब मांगी। अच्छा। आग्रह करके तो पिताजी ने एक जिंदगी मुस्कराई, जीवन के जो मानवता मानव को के उत्थान का साहित्य है उसकी रचनाओं से भरपूर जिंदगी मुस्कराई उनको दे दी। जिंदगी मुस्कराई के प्रकाशन के बाद फिर उन्होंने आग्रह किया कि और पुस्तकें दीजिए। अच्छा। तो जिंदगी लहलाई तैयार हो गई, तो जिंदगी लहलाई उनको दे दी। अच्छा। उसके बाद इसी तरह से एक और पुस्तक उन्होंने मांगी, उस पुस्तक का नाम था दीप जले शंख बजे। हाँ। दीप जले शंख बजे। हाँ। आकाश के तार धरती के फूल वो कहानी संग्रह था। हाँ। तो ये निबंधों का संग्रह है। हाँ। दीप जले शंख बजे ये जीवन परिचयों का संग्रह है। हाँ। और जो एक यह है कि वो उनको उन्होंने रिपोर्टिंग के लिए एक नई विधा क्रिएट करने का जो संकल्प किया, तो उसी से रिपोर्टिंग को रिपोर्टाज की रचना की। ओके। और रिपोर्टाज भी इतने लिखे कि उस पर 25 लेखों का एक संग्रह क्षण बोले कण मुस्काए भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित हुआ। प्रभाकर जी, हिंदी की मौजूदा स्थिति को लेकर आप क्या कहेंगे? सर, आजकल मैं देखता हूँ कि परीक्षाओं में छात्र जो हैं और विषयों में पास हो रहे हैं, हिंदी में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। हाँ। जो एक गंभीर विषय है। हाँ। हम सभी को, सरकार को इस दिशा में सोचना होगा, विचारना होगा, क्योंकि हमारी जो हिंदी है पूरे विश्व में हम हिंदी के माध्यम से जाने जाते हैं जी। उसके प्रोत्साहन की आवश्यकता है, सबको इस कदम आगे कदम जी। धन्यवाद। केंद्र सरकार ने उनको पद्मश्री का अवार्ड भी दिया, देख सकते हैं यह वह अवार्ड है जो उनको मैं दिखाना चाहूँगा। 1990 में तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा उनको दिया गया। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।